मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के गुलाब पार्क में सरिता सोसाइटी की दीवार तोड़ने पर कई लोग एतराज जता रहे हैं। आरोप है कि दीवार तोड़कर यहां पर बाकड़े बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि सरिता अपार्टमेंट और गुलाब पार्क 8 नंबर बिल्डिंग के बीच में करीब 15 साल पहले बाउंड्री दीवार बनाई गई थी, मगर अब इसे तोड़ा जा रहा है। शाहिद शेख बता रहे हैं कि दीवार इन्हीं लोगों ने बनवाई थी और यहाँ पर दीवार बनाने की वजह से नशेड़ी बैठने लगे, लोग यहाँ पर कचरा फेंकने लगे, जिसकी वजह से सरिता सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं ये बदबू और नशेड़ियों से काफ़ी परेशान हो गए, इसलिए दीवार तोड़कर हटाया जा रहा है। यहाँ खुला रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे ताकि गंदगी नहीं होगी और नशेड़ी भी यहाँ नहीं आएंगे। मगर वहीं दूसरी तरफ से एक एनजीओ की मेंबर नजमा अंसारी ने बताया है कि नशेड़ी गंदगी का बहाना है, यहाँ पर सोसाइटी की दीवार तोड़कर बाकड़े बनाए जाएंगे, इसलिए दीवार तोड़ी जा रही है। गुलाब पार्क 8 नंबर बिल्डिंग में नीचे भी दुकानें बनी हुई हैं, जिसके शटर सरिता अपार्टमेंट की तरफ है और इस शटर से लगकर ही दीवार बनाई गई थी जिसे तोड़ा गया है। हालांकि अगर यहां सोसाइटी में बाकड़े बनाने की जो बात सामने आ रही है, इस मामले में सोसाइटी का कोई भी मेंबर सामने नहीं आया जिसे एतराज हो। सिर्फ एनजीओ मेंबर नजमा अंसारी और उनकी एक रिलेटिव है जो सरिता सोसाइटी में रहती है, इन लोगों ने दीवार तोड़कर यहां पर बाकड़े बनाने पर एतराज जताया और आगे मनपा प्रशासन से सोसाइटी में दीवार तोड़कर बाकड़े बनाने के खिलाफ पत्र व्यवहार भी करेंगे। वहीं शाहिद शेख का कहना है कि दीवार तोड़ा गया है और साफ सफाई के लिए, मगर यहां पर बाकड़े नहीं बनाए जाएंगे। मगर यहां बाकड़े बनाने का आरोप दूसरी तरफ से लगाया जा रहा है, आने वाले दिनों में यहां पर बाकड़े बनाए जाएंगे। दोनों तरफ के लोगों ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। तो काला है और बोला ये लगा के क्या नाम है आपका, नाम क्या है? वो तो पानी के ऊपर कचरा फेंकते उसलिए लगा है। एक मिनट एक मिनट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाजमा है। और सोसाइटी का क्या नाम है? सोसाइटी का इसका बिल्डिंग का नाम सरिता है, सोसाइटी का हुदा कोऑपरेटिव सोसाइटी है। क्या मामला क्या हुआ? मामला ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हटो, ये यहाँ हटो ना थोड़ा सा, यहाँ पर आप लीजिए ना कैमरा, ये वॉल पूरा वहाँ से लेके लास्ट तक में वॉल था तकरीबन 10-12 साल से, 15 साल से, क्योंकि बाहर से कुछ लोग आकर यहाँ पर बैठते थे और फैमिली वाले डिस्टर्ब होते थे, तो ये वॉल बनाई गई थी सेफ्टी के लिए। अब अचानक से उसको तोड़ दिया गया, मीटिंग में बुलाए थे, मीटिंग में नहीं आए, और मीटिंग में नहीं आने के बावजूद आज सुबह सुबह सारे लोग घर में सोए थे, छुट्टी है, कोई जॉब पे चला गया और ये दीवार तोड़ने का काम शुरू हो गया। ये किसी की सहमति से नहीं हुआ है बिल्डिंग में, ठीक है। अब ये जो जिन्होंने तोड़ा है वो बोल रहे हैं कि उनकी वालदा को जो है तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो ठीक है भाई, उनकी वालदा हमारी वालदा है, अब तकलीफ़ होती है ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप ऐसी ग्रिल बना दो अच्छी कि कोई यहाँ पर आए नहीं, एंट्री करे नहीं, और यहाँ पर किसी किस्म का आप इस सोसाइटी में रहते हैं? नहीं, नहीं ये सोसाइटी में नहीं रहते, यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे सोसाइटी में रहते नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट लेने आए हैं। असल में मसला कैसा, इनको तकलीफ हो रही है, असल में कैसा, सब जगह एनजीओ में काम करते हैं और यहाँ पे पैसे का लेन देन का बिल्डिंग में चल रहा है, बोले हमको बाकड़ा चाहिए, हमको ये चाहिए, बोले हमको घर ही रखना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद शेख है। अस्सलाम वालेकुम। ये दीवार जो तोड़ने का मामला है, तोड़ने का मामला कैसा मालूम है कि एक तो दीवार गिरने का रिस्क था, दीवार बहुत साल पुरानी थी, कभी गिर जाता खुदा ना खास्ता ऐसा होता है, नहीं तो इतने आसानी से बिल्डिंग, देखिए ये झूठ की बात कर रहे हैं। और पहली बार हमारी फूफी को यहाँ पे तकलीफ, और कचरा देखिए यहाँ पे कितना है, कचरा कोई साफ सफाई के लिए नहीं आता है, और मार्केट के लोग जो आते हैं, जो लेडीज आती हैं, बच्चे आते हैं, यहाँ टॉयलेट बाथरूम करते हैं, यहाँ आके बैठ कर चरस पीते हैं, और बिल्डिंग का मामला जो फ्रंट का है वो लोग वहीं से वहीं निकल जाते हैं, लेकिन पीछे तो हम रहते हैं, हमारे को तकलीफ, हमारी फूफी है, एक मिनट रुकी, हमारी फूफी जो है वहाँ पे हॉस्पिटल में हर 1.5 महीने में 2 महीने में एडमिट होती है, किसकी वजह से? डॉक्टर बोले इन्फेक्शन होता है। हाँ बिल्डिंग वाले, आपसे मैं क्यों बात करूंगा, आप तो बाहर आए हो, आप बाहर आप बिल्डिंग के नहीं हो, बिल्डिंग के हम है, तो मैं बता रहा हूँ आप एनजीओ वाले हो ना, तो आप एनजीओ से बात करो, जो साफ हो रही है, आप एनजीओ से हैं? हाँ मैं सारे एजुकेशन ट्रस्ट में मेंबर हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर। और ये आपके साथ में मेरी सिस्टर है, वो यहाँ रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं, मुझे कॉल करके बुलाया सिस्टर, खूबी आप आइए जरा, खूबी को पकड़ के, बहुत सी जगह जहाँ भी काम, तो ये इतनी बड़ी सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग और क्यों नहीं आए? कोई नहीं, बुलाइए ना, कॉल है सामने, बुलाइए, जिनको बाकड़ा चाहिए वो लोग,
शुरू से सुबह से सब लोग यहीं थे भैया, सोसाइटी वालों को भागना चाहिए। ये इनका आरोप ऐसा है कि आप लोग दीवार तोड़कर यहाँ पर दुकान वगैरह बनाने की कोशिश। नहीं, हमको फिलहाल, हमने ये कभी सोचा भी नहीं अभी तक के। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे घर में है, घर ही है हमारा। और आप देख सकते हो हमारी फूफी रहती है, फूफी आप सामने आइए, ये देखो पेशेंट है। इनको हॉस्पिटल में बार बार एडमिट करना पड़ता है यहाँ की गंदगी से, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है मार्केट में, लेडीज हो गई, बच्चे हो गए, यहाँ टॉयलेट बाथरूम करते हैं, रात में आकर चर्सी लोग बैठ जाते हैं। और बिल्डिंग वालों का कोई हम लोग को इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, वहाँ से चर्सी आके बैठ जाते हैं, ये लोग उधर फ्रंट से ही निकल जाते हैं, बैग आते नहीं। एक मिनट, झूठ नहीं बता, आप पूछ लो, रहने वाले तो पूछ लो, बैग में हम लोग रहते हैं और हमारी फूफी हमारी परेशान हो गए, फिर बाद में हम लोग उनको तकलीफ, फेफड़े में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ, उनको इन्फेक्शन हो जाता है। और बिल्डिंग वाले फ्रंट से ही, आप तो रहते भी तो आपको कैसे मालूम रात में आते क्या? सुनो, एक मेरी बहन रहती है, मैं सामने ही रहती हूँ। एक मिनट भाई, सुनो, मैं सामने ही रहती हूँ, गुजर तो यहीं से होता है। ये देखो और भी रहने वाले लोग आए, रहने वाले हैं। मेरी पूरी बात तो होने दीजिए, जो चरस के मामला चलते हैं ना, उसमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ, पुलिस के साथ में और लोगों के साथ में। लेकिन इनका तो ऐसा क्या, सुनिए क्या देखो, एक तो बोलने देंगे, जो फलाही काम है उसमें मैं एक्टिव हूँ, तो ये नहीं कि मैं यहाँ पे ओनर नहीं हूँ तो आई हूँ ऐसा। और जगह भी हम लोग जाते हैं और जो भी कहाँ हेल्प है। लेकिन आप जाते बात से, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ के सोसाइटी के लोगों को तकलीफ है, सोसाइटी के लोग तो आ ही नहीं रहे ना, उन लोगों को। एक व्यक्ति कोई आया है कहीं पर है, वो भी चला गया। ये सोसाइटी वाले आए हैं, उन लोगों को नशे वाले कितने लोग आते हैं बताइए। ये दीवार से लग के इतने। नाम क्या आपका? मेरा नाम यास्मीन अंसारी है, मैं बाजू की बिल्डिंग की चेयरमैन हूँ। कौन सी बिल्डिंग? ये बिल्डिंग। नाम यास्मीन अंसारी बोली ना, बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग का नाम 8 नंबर गुलाब पार्क। ये दीवार नहीं थी, ये लोग का आना जाना था, ये लोग का खुला था, कभी चरसी नहीं आए, कभी यहाँ चरस नहीं पी गई। जिस दिन से ये दीवार बनी है, मेरे को भी हार्ट है, मैं ये दीवार, ये खिड़की मेरी है, मैं इतना परेशान हूँ वो धुएं से और उससे कि मेरे तबीयत खराब हो जाती है। मैं कई बार नीचे उतर के उनको हकाली हूँ, उनको कितनी बार गर्म पानी फेंकी हूँ, उन लोग के ऊपर, चर्सियों के ऊपर मैंने गर्म पानी फेंकी हूँ, वो लोग यहाँ पेशाब करते हैं, इतनी बास आती है, इतना सब होता है, चर्सी नशे में होके चाहे पेशाब करे चाहे और कुछ करे, उससे हमको बहुत तकलीफ है। ये दीवार टूटेगी, बहुत अच्छा है, बहुत सही है। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है नशा करने वाले लोग आते थे, बैठते थे, इनका भी ऐसा कहना है। और आप कह रहे हैं कि, एक मिनट पहले सवाल तो सुनिए, इनका कहना है कि नशा करने वाले लोग बैठते थे इसलिए दीवार तोड़ रहे हैं, साफ सफाई यहाँ पर, और आप कह रहे हैं कि ये लोग दीवार तोड़कर दुकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहीं पर पत्र व्यवहार भी किया है क्या इसके संदर्भ में? पत्र व्यवहार भी किया है क्या इसके संदर्भ में? यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट करिए, जब यहाँ पर गाला या दुकान बनाने की एक मिनट बात ही नहीं थी, तो इन्होंने कैसे बोला कि यहाँ पे बाकड़ा मांग रहे? हमने नहीं बोला, सोसाइटी वालों ने क्यों बोला मैं आपको बताता हूँ। सोसाइटी वालों ने इसलिए बोला, आजू बाजू में हैदराबाद में सारी बिल्डिंगों में दुकान बन चुकी है, तो लोग बोलते हैं तुमको दुकान बनाना है तो हम तुमको ऑफर देते हैं, तुमको बाकड़ा देना पड़ेगा। और ये खुली एकदम साफ बात है हमारे सोसाइटी में, बोले तो कैसा है सोसाइटी में, हमारे चेयरमैन अगर उन्होंने नहीं, जो लोग रहते हैं वो लोग बोले। अब तो आप भी तो उन्हीं लोगों के साथ आ रहे हैं, आप एनजीओ वाले हैं, आप बोले। मैं चीज चाहती हूँ कि यहाँ पर किसी भी किस्म का इलीगल कंस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए, डेस्क क्लियर। और जो रह गई दीवार टूटी है, यहाँ पर पूरी ग्रिल आप ही लगा के दोगे? सुनो, ग्रिल नहीं लगेगी, ग्रिल नहीं लगेगी, क्यों? ये जितनी अतराफ में बिल्डिंग है, ना कहीं बाउंड्री है, ना कहीं ग्रिल है, आने जाने वाले लोग को आना रास्ता रहेगा, चर्सियों से बचेंगे, और बाजार वाले जो टॉयलेट बाथरूम कराते हैं हम उनसे बचेंगे, हम गंदगी से बचेंगे। सीधी सिंपल सी बात, इनका कहना है कि यहाँ पर कुछ इलीगल नहीं बनेगा और आप कह रहे हैं इलीगल बनेगा, तो आपने क्या इसके संदर्भ में पत्र व्यवहार मनपा में पुलिस में कुछ किया है या करेंगे, क्या कर रहे हैं? पुलिस स्टेशन गए थे, फिर सागर सोलंकी सर से मिलने गए, लेकिन आज वो नहीं आए, तो मंडे को उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है मिलने के लिए, मिलेंगे। और खामोश तो हम लोग नहीं बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तोहमत लगाई गई है कि मैंने भी बोला आपने कि मुझे चाहिए, नहीं सोसाइटी वालों ने, हाँ जो लोग बोल रहे, तो गलत तो बन रही है, कभी चाहिए ना, नोट करो, ये बात नोट करो,
वो लोग क्यों अगर मांग की है, क्योंकि आप लोग बनाने वाले हो, नहीं हमको जरूरत ही नहीं है कुछ, हमारी फूफी रह रही है, घर में लोग रह रहे हैं, आप देखिए ना, बस ना शाहिद वही शाहिद भाई आखिरी सवाल, आप लोग बनाएंगे यहाँ पर या सिर्फ साफ सफाई करके इसे अच्छे से कैसे रहेगा? सफाई रहेगा और यहाँ पे तो हमारे फूफी को तकलीफ नहीं होगी, उनको आराम रहेगा, हमको बार बार हॉस्पिटल में खर्चा करना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करें एसी लगा लो, अब जो उनकी बजट नहीं, उनका एक लड़का कमाने वाला है, वो सऊदी रहता है, वो कहाँ से एसी लगा के टोरेंट की बिल भर पाएगा? ये जो सब पूरा मामला हुआ उसके लिए तुम्हारी बिल्डिंग की सोसाइटी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी आए एनजीओ की तरफ से आए हैं, बाकी और लोगों से कुछ नहीं, आप सोसाइटी वाले अब जिनको जिनको तकलीफ है उन्होंने भी अपना सब लोगों ने बना के ही रखा हुआ है, वो तो अपने नहीं बोलना चाहते हैं। नहीं अगर सुबह से सब लोग दौड़ रहे थे भाई, कोई उसमें पेशेंट है, यही बेहतर आप में सारी बिल्डिंगों में सब लोगों ने बनाया, जो और भी एक दो लोग रहते हैं उन लोगों ने कमर्शियल बना दिया, ऐसा नहीं है। 9 बजे भी हम लोग को एक जगह ऑफिस में मिलने बुलाया है, वहाँ पे शाहिद भाई भी आएंगे और हम लोग भी जाएंगे, इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं, हमने जो बात है हम लोग अपने बात है ना यहाँ पे।